जी बिल्कुल, 8 फरवरी का सूरज तुलू हो चुका है और आज मुल्क भर के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से पाकिस्तान भर के अंदर पोलिंग का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है, जो बिला किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का एन ए चवन के अंदर, जो बुनियादी तौर पर ज़िला रावलपिंडी का हल्का है। अगर इस हल्के के अंदर कुल वोटर्स की तादाद देखी जाए तो यहाँ पर 4,66,344 कुल वोटर्स की तादाद है और यहाँ पर 344 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ पर आज शाम 5 बजे तक वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हल्के के अंदर 2 सूबाई हल्के आते हैं जिनके अंदर PP12 टक्सला और PP13 वाकेंट है। अगर हल्का एन ए चमन के अंदर कुल उम्मीदवारों की बात की जाए PP12 और PP13 के उम्मीदवारों समेत, तो यहाँ पर कुल 30 उम्मीदवार जो हैं वो मध्य मुकाबले हैं। हल्का एन ए चमन के अंदर 4 तगड़े उम्मीदवारों के दरमियान कौमी असम्बली की नशस्त के लिए मुकाबला है, जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अजरा मसूद हैं। इनके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब हैं, जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके अलावा ग़ुलाम सरवर खान साहब हैं, जिनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है और वो गुज़िश्ता टेन्योर के अंदर भी मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता यहाँ पर बैरिस्टर अकील साहब हैं। PP13 वाकेंट की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी उमर फारूक साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता मलिक फाद मसूद साहब हैं। जी